बीसीसीआई ने इंडियन मेंस टीम अनाउंस कर दी है जो कि एशियन गेम्स में खेलने जाएगी, तो इस वीडियो में हम उसी टीम के ऊपर डिस्कशन करें। 19th एशियन गेम्स इस बार चाइना में होने वाले, वो खेले जाएंगे 23rd सितंबर से 8 अक्टूबर तक, और जो मेंस क्रिकेट है वो खेली जाएगी 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा इस एशियन गेम्स में। पहले भी 2 बार मेंस क्रिकेट खेला जा चुका है एशियन गेम्स में, 2010 और 2014 में, लेकिन उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंडिया ने कोई ऐसे कॉम्पिटिशन में, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में, एक इससे पहले एक ही बार पार्टिसिपेट किया है 1998 में। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया विल पार्टिसिपेट इन एशियन गेम्स। तो अगर हम लोग टीम पे आते हैं तो 15 प्लेयर को अनाउंस किया गया और 5 स्टैंड बाई प्लेयर्स को भी अनाउंस। कैप्टन से स्टार्ट करते हैं, तो कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़, उनके पास कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने महाराष्ट्र को लिस्ट ए और T20 फॉर्मेट कैप्टनसी कर चुके हैं और धोनी के साथ CSK में भी खेल चुके हैं। तो अगर ऋतुराज का एज भी देखा जाए तो वो 26 ईयर्स है, तो वो एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है ऋतुराज के लिए, कैसे इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करना और कैप्टन करना, बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनके क्रिकेटिंग करियर के लिए। और दूसरे प्लेयर है यशस्वी जैसे, तो उन्होंने अपने पहले ही डेब्यू टेस्ट मैच में 171 रन मारे, और अगर उनका बैटिंग देखा जाए तो उनको जब मारना था तो शॉट्स भी मारे, जब बॉल बैट पे अच्छे से नहीं आ रही थी, बॉल हल्का सा स्पिन हो रही थी, तो वो डिफेंस भी बहुत ही अच्छा कर रहे थे। तो उनके पास इंटेंट भी है, अगर मारने वाली बॉल है तो वो मारेंगे भी, नहीं मारने वाली तो खेलेंगे भी। और IPL में भी हम लोग ने देख चुका है कि वो कितनी बढ़िया तरीके से बैटिंग करते, फास्टेस्ट 50 2023 में उन्होंने बनाया, तो वो भी एक अच्छा चॉइस है। तीसरे प्लेयर है राहुल त्रिपाठी, इस साल का IPL उनके लिए बहुत ही अच्छा नहीं गया था। चौथे प्लेयर है तिलक वर्मा, मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने भी बहुत ही अच्छा खेला, जब फर्स्ट डाउन आ रहे थे तो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, जैसे उनको रोहित शर्मा ने थोड़ा नीचे इन मिडिल ऑर्डर भेजा तो उनकी बैटिंग थोड़ी सी कमजोर हुई, लेकिन जैसे ही वापस से वो फर्स्ट डाउन आने लगे बहुत ही अच्छा खेलने लगे, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। फिफ्थ है रिंकू सिंह, रिंकू सिंह ने KKR के लिए बहुत ही बढ़िया खेला था, और ये एक सोचने वाली बात थी कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट T20 में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन अब इधर जा रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके एक्सपीरियंस के लिए। और विकेट कीपर के तौर पे 2 प्लेयर है, जितेश शर्मा और प्रभसिमरन सिंह, तो दोनों पंजाब के लिए खेलते हैं और दोनों का ही IPL ठीक ठाक गया था। फिर वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर, शहबाज अहमद ऑलराउंडर, रवि विष्णु स्पिनर, और इस साल का IPL भी उनका बहुत ही अच्छा गया, LSG के लिए अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। फिर है आवेश खान, इस साल का IPL उतना खास गया नहीं, लेकिन यंगस्टर है तो उनके एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही सही रहेगा। फिर है अर्शदीप सिंह, पंजाब के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे इस सीजन, उनको ज्यादा स्टार्टिंग में बॉलिंग दी नहीं गई क्योंकि करण कर रहे थे बॉलिंग, तो मोस्टली वो एंड ऑफ द इनिंग्स आते थे। फिर है मुकेश कुमार और शिवम मावी, शिवम मावी इस साल IPL में उतना अच्छा खेले नहीं। शिवम दुबे CSK के लिए बहुत ही बढ़िया खेले, स्टार्टिंग ऑफ द सीजन उतना अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन जब उनको थोड़ा सा धोनी ने विश्वास दिखाया, उनको उसी जगह बैटिंग करने के लिए भेजा, तो उसके बाद उनका एक अलग ही रूप दिखा बैटिंग। और अगर 5 स्टैंड बाई प्लेयर्स की बात करें तो है यश ठाकुर, साई किशोर, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, साई सुदर्शन। अगर साई सुदर्शन का याद होगा तो उन्होंने फाइनल में बहुत ही बढ़िया खेला था GT के लिए। तो अगर टीम ओवरऑल देखा जाए तो IPL को ध्यान में रख के सिलेक्ट किया गया है, और यंगस्टर सिलेक्ट किया तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर इंडिया यहाँ पे जीतती है तो। और इंडिया को जीतना चाहिए, जैसी टीम है, यंगस्टर्स हैं और IPL में उनको एक्सपीरियंस है खेलने का, तो ऑफकोर्स इंडिया को एक गोल्ड मेडल मेंस क्रिकेट से तो जरूर मिलना चाहिए और वुमेन्स क्रिकेट से भी जरूर मिलेगा। तो वीडियो में यही था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर देना, और कमेंट करके बताना कि ये टीम आपको कैसी लग रही है, क्या इंडिया गोल्ड मेडल जीत पाएगी एशियन गेम्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।